हिंदुस्तान एक ऐसा देश जो एक गुलदस्ते की तरह है, जहां आपको हर धर्म के लोग मेलजोल से रहते हुए मिलेंगे। आज के समय में हमें ऐसे टॉपिक्स पर बात करना बेहद ज़रूरी है जो हमारी तहजीब और मेलजोल को दिखाता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो हिंदू कवि जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सम्मान में स्तुति गीत लिखे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे मीराबाई के बारे में, जो भक्ति गीतों और कविताओं के लिए जानी जाती हैं। मीराबाई ने बहुत ही खूबसूरती से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करने वाली कविताएं लिखी हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने पैगंबर साहब जैसे लोगों की खूबियों की तारीफ की है। मीराबाई ने पैगंबर साहब के जीवन और शिक्षाओं को निस्वार्थ और खुदा के लिए संपन्न का उदाहरण देखा, जिसकी वो इज्जत करती थी। राजस्थान के 17वीं सदी के कवि भूषण ने पैगंबर साहब के लिए भी प्रशंसा जाहिर की। वो अपनी कविता में बात करते थे पैगंबर मोहम्मद के किरदार की। असम के 17वीं सदी के अहोम राजा स्वर्गीय रुद्र सिंह भी वो शख्स थे जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी प्रशंसा अपनी कविताओं के जरिए जाहिर की। नोबेल पुरस्कार विजेता और आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक रविंद्रनाथ टैगोर ने भी पैगंबर साहब की तारीफ की है। टैगोर ने पैगंबर साहब के दिव्य प्रेरणा के प्रतीक के रूप में देखा। इस लिस्ट में अगला नाम है श्री अरविंदो का, जिनका मानना था कि पैगंबर साहब इंसानियत की राह दिखाने वाले ऊंची स्पिरिचुअल सच्चाई के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान में 19वीं सदी के कवि बिहारी लाल एक और उल्लेखनीय व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने लेखन में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा जाहिर की। बिहारी की कविताओं में पैगंबर मोहम्मद साहब को दिव्य रूप में दिखाया गया है, जो प्रेम, दया और ईश्वर की एकता का उपदेश देते थे।